Hey guys, welcome back to our channel. Finally, मैं डेढ़ महीने के बाद घर आ चुका हूँ और ये वाला जो टाइगर की ड्राइंग है मैंने बहुत डेढ़ महीना पहले स्टार्ट किया था। इसका पेंडिंग में आधा मैंने ड्राइंग किया था और आधा करना बाकी है। तो इसमें हम बताएंगे कि हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे करते हैं, इसमें जो व्हाइट हेयर्स है जो व्हाइट हेयर को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन कौन सा टूल्स यूज करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। और इसमें सिर्फ हम चारकोल की शॉर्ट पेंसिल एक ही पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको फोटो को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसमें किस डायरेक्शन में हेयर गया उसी डायरेक्शन में हमको ड्रॉ करना होता है। पहले हम एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास खाली पेन होगा जिसमें इंक नहीं हो और या तो मैकेनिकल पेंसिल हो, उसका लीड अंदर करके हम इसको पहले इसको जिस डायरेक्शन में हेयर उस डायरेक्शन में स्क्रैच करेंगे। इस फोटो का हेयर इधर से गया, ठीक है, इसी डायरेक्शन में इसको स्क्रैच करेंगे, इस डायरेक्शन में हेयर की जैसा। स्क्रैच हो जाने के उसके बाद हम पहले इसको ब्लैक एरिया को कवर करेंगे। कर रहा हूँ कैमलिन की चारकोल सॉफ्ट पेंसिल यूज कर रहा हूँ, पूरा एक ही पेंसिल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो पहले हम फोटो को ऑब्जर्व करेंगे कौन कौन से एरिया में डार्क है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, पूरा बाकी व्हाइट है। तो पहले हम डार्क एरिया को कवर करेंगे और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन हम डार्क करेंगे। मैं इसमें पूरा डार्क एरिया को कवर कर लिया, उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ थोड़ा सा डार्क है वहाँ से हल्के हल्के हाथ से उसको हेयर को ड्रॉ करूँगा। जो व्हाइट एरिया में जहाँ जहाँ थोड़ा सा डार्क है उसको हल्के हाथ से व्हाइट व्हाइट ठोक रहेंगे। देन उसके बाद मैं जो उसका डार्क किया हूँ उसको डार्क को पहले ब्लेंड कर देंगे ब्रश को यूज करके, और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ब्लेंड भी करेंगे। ब्लेंड होने के बाद उसके बाद जहाँ ब्लैक है उसके बाद फिर से एक बार ब्लैक करेंगे। उसके बाद जो व्हाइट हेयर है उसको पूरा हल्के हाथ से करना है, जहाँ पे व्हाइट हेयर है वहाँ पे, और ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में हेयर उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। ये हो जाने के बाद उसके बाद फिर से हम ब्लेंड कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में हेयर उसी डायरेक्शन में हम हाईलाइट भी करेंगे इस टाइप में। और ये हमारा फाइनल हो गया, आप लोग देख सकते हो जिस साइड में दिख रहा है उस तरह राइट साइड में भी दिख रहा है। और सेम इसी रूल्स का मैं फॉलो करता हूँ। दूसरा टेक्निक से भी ड्रॉ किया जा सकता है, पर ये टेक्निक से काफ़ी अच्छा हो जाता है रियलिस्टिक ड्राइंग हेयर वगैरह के लिए। और मैं पूरा इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरा हम ड्रॉ करेंगे।